नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना काल में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, और इन सब के बीच तमाम ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो मदद भी कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर गुहार लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, और इनमें सबसे आगे योगी सरकार है। हाल ही में एक ऐसा केस निकलकर सामने आया था जिसमें एक अमेठी का एक युवक था जिसने अपने नाना जी के लिए ऑक्सीजन की मांग की थी, लेकिन ये पूरा मामला जब योगी सरकार तक पहुंचा तो ये कहा गया कि इस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ भी ना लिखा जाए, मदद ना मांगी जाए, क्योंकि जब पड़ताल की गई तो इस शख्स के नाना को ना ही ऑक्सीजन की जरूरत थी और ना ही वो कोरोना संक्रमित थे। तो ऐसे में योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया था कि इस तरह से अगर कोई सोशल मीडिया पर फेक जानकारी देगा या फिर मदद मांगेगा और गुमराह करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर मदद मांगता है, शिकायत दर्ज कराता है, तो इसे आप गलत जानकारी तो कतई नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जाहिर तौर पर यूपी सरकार के इसी हालिया एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की गुहार एक युवक ने लगाई थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि किसी भी जानकारी पर रोकथाम या नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए विचार किया गया तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सभी राज्यों और डीजीपी को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए, किसी भी जानकारी पर शिकंजा कसना मूल आचरण के विपरीत है। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, अमेठी से पूरा मामला निकलकर सामने आया था और पुलिस का तो यही दावा था कि वो फर्जी मांग की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाता है जो मदद की गुहार लगा रही हैं तो ये गलत होगा, और साथ ही साथ तमाम राज्य सरकारों को हिदायत दी है कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर ना की जाए। आप सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।